फिर घर वालों से तकरार, उसके बाद कोर्ट में शादी। प्रेम का के घर वालों ने भेजा जेल, जेल से छूटा तो जिंदा जलाकर हत्या। अपना प्यार पाने के लिए वो दुनिया से लड़ गया, कानून का सहारा लिया और कोर्ट में उसने सौम्या से शादी रचाई। लेकिन सौम्या के घर वालों को ये शादी नागवार थी। किशन ने कोर्ट में सौम्या से शादी की थी और उसे लेकर कहीं दूर चला गया था। सौम्या के घर वालों ने किशन के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। प्यार के लिए किशन जेल भी गया। सालों तक जेल में रहने के बाद जब किशन जेल से वापस लौटा तो फिर से वो अपनी पत्नी सौम्या के साथ रहने लगा। लेकिन सौम्या के घर वालों को ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी। और वो काला दिन भी आया जब बीच बाजार में सौम्या के प्यार को उसी के घर वालों ने बड़ी बेरहमी से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। घर वालों का कहना है कि खुद पेट्रोल लेके आया था, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके लाइटर साइड लगाया। सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। मृतक के का भाई आया हुआ, उससे बात भी किया गई है और ये लड़की का पिता भी बचाने में काफ़ी जल गया है, उसकी हॉस्पिटल में है। दरअसल महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नगर के ओरिएंटल बैंक के बगल में 22 साल के किशन को मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महाराजगंज नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले किशन ने शहर की आर्यनगर की रहने वाली युवती सौम्या निगम से करीब एक साल पहले कोर्ट में शादी की थी। कोर्ट मैरिज के बाद किशन सौम्या को लेकर भाग गया था, जिसके बाद सौम्या के पिता ने किशन के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था। अपहरण के मामले में युवक किशन लंबे समय तक जेल में था। जेल से छूटकर आते ही सौम्या के साथ फिर से रहने लगा। लेकिन बीते 11 दिन पहले किशन और सौम्या के बीच कुछ अनबन हो गई, जिसके बाद सौम्या कुछ दिनों से अपने पिता के घर पर रह रही थी। इसी बात को लेकर किशन परेशान था और सौम्या को वापस लाने के लिए शनिवार को अपने ससुराल गया था। और इसी बीच ना जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हुई और युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहाँ की लड़की को ये पहले भगा ले गया था और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद में लड़की इसी के साथ रह रही थी। 11 दिन पहले लड़की से झगड़ा हुआ, लड़की यहाँ पे आ गई, यहाँ अपने मायके में रहने लगी थी। इसके बाद आज ये घटना हुई है। एक प्यार जिसकी वजह से किशन जेल चला गया, जिसकी वजह से वह जमाने भर का दुश्मन बन गया, उसी प्यार से अनबन, फिर पत्नी के घर वालों द्वारा जिंदा जलाकर हत्या की वारदात दी। सोचने पर मजबूर कर दिया है। समाज का कानून, संविधान और कोर्ट आज भी कुछ नहीं समझता। किशन की हत्या हो गई, उसका प्यार बेवा हो गया, अब क्या बचा? झूठी शान और जिन लोगों ने किशन की हत्या की, उनकी बेटी की सूनी मांग। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और प्यार के दुश्मन पुलिस की पहुंच से अब तक बहुत दूर हैं।